2022 विधान सभा चोणां नूं लै के सियासी अखाड़ा खूब भखिया होया। सियासी पार्टियां दे वल्लों अपना चोण प्रचार भी तेज कर दिता, जिस नूं लै के आम आदमी पार्टी भी काफी अगे चलदी नजर आ रही है। जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 दसंबर नूं पंजाब आउणगे। केजरीवाल 2 दिन 15 ते 16 दसंबर नूं पंजाब दा दौरा करनगे। वो 15 नूं जलंधर च तिरंगा यात्रा करनगे। समागरों 16 नूं बादलां दे गढ़ लंबी विखे जनसभा नूं संबोधन करनगे। इत्थे अहम गल यह है कि केजरीवाल पंजाब चोणां नूं लैके अपनी पहली जनतक रैली करनगे, क्योंकि किसानां ने सियासी पार्टी नूं अंदोलन खत्म होण तक सियासी रैलियां करन तों वरजिया होया सी। इसलिए केजरीवाल पिछले समय पंजाब दे कई गेड़े लगा गए ने, पर उन्हां ने कोई रैली नहीं कीती सी। आम आदमी पार्टी ने अपने शक्ति प्रदर्शन लई बादलां दे गढ़ लंबी नूं ही चुनिया, जिथे केजरीवाल अपनी पहली जनसभा नूं संबोधन करनगे। पिछले समय आए चोण सर्वेखणां ने आम आदमी पार्टी दा हौसला काफी वधा दिता, इसलिए केजरीवाल ने अपना पूरी जोर हुण पंजाब दे विच मुड़ तों लगा दिता है। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब च कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए दूजिया पार्टियां दे कई नेता आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होने लई भी काफी अगे चल रहे ने। पर इत्थे राघव चड्ढा ने साफ कह दिता सी कि आम आदमी पार्टी है जिहड़ी कि ईमानदार पार्टी है, तो वह भ्रिष्ट नेतावां नूं आम आदमी पार्टी दे विच शामिल नहीं करनगे। सो देखना होवेगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दे वल्लों पंजाब दे विच पूरा अड्डी चोटी का जोर लगाया जा रहा। सो देखना होवेगा कि 2022 दी विधान सभा चोणां दे विच कि आम आदमी पार्टी जित दा झंडा गढ़दी है जां नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसीं देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं। डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire टीवी ते जां Apple टीवी ते। नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।